जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वीडियो पे बने रहिए, और बिल्कुल कम पैसे में, बिल्कुल लो पूंजी में अपना मछली पालन कैसे करें, जिनके पास पैसे का अभाव में मछली पालन नहीं कर रहे हैं, तालाब को बंजर छोड़े हुए हैं, तो वो व्यक्ति भी मछली पालन करके लाखों का आमदनी करें, वो कैसे करेंगे वो आज वीडियो में आपको मैं विस्तार से और डिटेल से विधिवत पूर्वक बताऊंगा, तो आप वीडियो पे अंत तक बना रहे। तो देखिए, जिनके पास यदि 10 कट्ठा का तालाब है, या तो 5 कट्ठा का तालाब है, या तो फिर 5 बीघा का तालाब है, वो अपनी तालाब में सिर्फ और सिर्फ फ्री में यदि मछली पालना है, कम पूंजी में मछली पालना है, तो अपने तालाब में डालें रेहू, कतला, ग्रास कार्प और अमूल कार्प। मतलब आप समझ लीजिए, बारीकी से समझिए बात को, मेरी पूरी तरीके से गौर करके सुनिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, शॉर्टकट में बताऊंगा, बहुत कम समय लूंगा, 2, 4, 5 मिनट में ही, 5 मिनट के अंदर ही आपको सारी जानकारी मैं दूंगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आप ये प्रजाति का कल्चर करें, ग्लास कार्प नरभक्षी मछली है, वो घास, गोबर, खल्ली, चुन्नी, कचरा, गिचड़ा जो सब कुछ खा जाता है, सिर्फ मांस नहीं खाएगा वो, घास और आपका गोबर, मुर्गी का वेस्टेज, वो सारा चीज वो खा जाएगा। तो आप उसको देंगे तो ग्लास कार्प का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। यदि आप 50 ग्राम का बच्चा, ईयरलिंग बच्चा यदि आप डालते हैं, तो आपको 4 महीने में 1 केजी का मछली हो जाएगा। और उसके साथ आप डालिए रेहू, रेहू वो खाए या ना खाए, लेकिन जो ग्लास कार्प खा करके जो पानी में वेस्टेज निकालेगा, उसको रेहू बहुत ताव से खाता है, और उसके बाद उससे होने वाली जो पानी में बैक्टीरिया पैदा होगा, जो बैक्टीरिया जब सर्वाइव करेगा तो वो बहुत तेजी से उसका सर्वाइव करेगा, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा वो। अब उसके बाद आपको क्या होगा कि जब रेहू ग्रोथ कर लेगा, तो जो रेहू वेस्टेज निकालेगा वो लिक्विड टाइप का पानी में घुलनशील हो जाएगा, उसको आपका कतला बहुत तेजी से खाता है, तो पानी का जो खराब होने का जो समस्या है वो होगा नहीं, क्योंकि पानी में जितने भी बैक्टीरिया जब बनेंगे वो आपको कतला मछली उसको ऑब्जर्व कर जाएगा, उसको कतला मछली ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर जाएगा और सारा पानी को फिल्टर कर देगा, तो वो आपको डालना जरूरी है, और बहुत तेजी से कतला उस खा करके सर्वाइव करेगा। और रहा बात तल्ली का, जो जितना भी बैक्टीरिया बन के जो तल्ली में जाएगा, जो सबसे लास्ट में जो वेस्टेज बन के तल्ली में नीचे बैठेगा, उसको अमूल कार्प और नैनी खा जाएगा। तो आपको ये 4 मछलियां का कल्चर करना है, सिर्फ 4 मछली का कल्चर करके आप बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं, मुनाफा कर सकते हैं। तो भाई, आप सभी से निवेदन है, जो फार्मर, जो किसान का तालाब, जमीन यदि बंजर पड़ा हुआ है, तो उसमें मछली पालन नहीं कर रहे हैं, करने का इच्छा रखते हैं, पैसे के अभाव में वो छोड़ रखे हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें, और वीडियो को भगा भगा कर ना देखें, क्योंकि आपको 2-4 मिनट जब किसी के साथ समय देने का जब अंतर शक्ति नहीं है, तो आप तालाब पे काम क्या कीजिएगा, किसी का बात सुनने के आपको 2 मिनट का समय नहीं है, तो आप कल्चर कर ही नहीं सकते हैं, मेहनत कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अधूरा ज्ञान आपके अंदर है, तो इसी की वजह से आज तक आपका तालाब खाली पड़ा हुआ है, आप पैसे के लिए मोहताज हैं, आप संघर्ष करने की जुनून है, लेकिन अज्ञानता के कारण आपको अपने तालाब पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, अज्ञानता के कारण, अधूरी जानकारी के कारण आप निगेटिव की ओर जा रहे हैं। तो इसके लिए कोई जानकारी, कोई भाई, ये नहीं कहते हैं कि मेरा वीडियो देखिए, कोई भाई का वीडियो देखिएगा, किसी भी चीज़ का जानकारी लीजिएगा, तो पूरा जानकारी जब तक नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे, तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आप बात को बढ़िया से गौर से समझें, और मेरी बात यदि समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिएगा, जो समझ में नहीं आया, दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या समस्या आपके साथ में है। और आपसे निवेदन है कि जो भी भाई हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
और लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपके लिए मैं इसी तरीके से नए नए वीडियो नए नए फॉर्मेलिटी के साथ लाते रहेंगे। और बच्चा को जानकारी चाहिए, यदि बच्चा नहीं मिल रहा है आपको बढ़िया क्वालिटी का तो हमसे संपर्क करें, आपको मैं बच्चे अच्छे क्वालिटी का हाइब्रिड कल्चर करने वाली क्वालिटी का बिल्कुल अच्छे क्वालिटी का बच्चा प्रोवाइड कराऊंगा। ऑल इंडिया डिलीवरी हमारा रहता है, आप अपने घर बैठे फोन करें, आपको बच्ची की जानकारी मिल जाएगी। और किसी भी तरीके से समस्या हो, फंगल इन्फेक्शन या तो मछली की कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करें, आपकी मदद करने के लिए हम हमेशा सेवा में समर्पित हैं। और आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस तरीका से मछली पालन करें, आपको प्रॉफिट होगा। और खास करके तो ग्लासकर कंपलसरी, आपको यदि पूंजी नहीं है तो ग्लासकर मछली का ही सिर्फ कल्चर कर लें, कम से कम ग्लासकर और अमूल कार्प का कल्चर कर लेंगे, आपको लाख दो लाख रुपए का बीघा ऑटोमेटिक आ जाएगा जो कि आपको धान गेहूं से नहीं आ सकता है। तो आप अपने तालाब को खाली नहीं छोड़ें, कुछ भी डाल दें और उसको ऊपर से कुछ भी खिलाते रहें, ग्लास कार्प है जो आपका सर्वाइव करेगी और ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका लाभ देगा, जो कि आपको एक फसल धान और गेहूं में एक कल्चर में नहीं आएगा, उससे दो गुना तो आपको जरूर देगा। तो इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। और यदि पैसे है तो देख रहे हैं पंगासस मछली का कल्चर करें उसके साथ में थोड़ा, क्योंकि ये हाई ग्रोथ वाली ये भी मछली है, इसको फीडिंग फ्लोटिंग फीड पे कल्चर किया जाता है, अच्छा खासा इसका रिजल्ट है। तो उसके साथ ये मिक्सरीज मछली भी कल्चर किया जा सकता है। तो आप पहले, आपके पास पूंजी का दिक्कत है तो पहले शुरुआत आप ग्लास कार्प अमूल कार्प और रेहू के साथ में कल्चर करें। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत।